नमस्कार। फिल्म इंडस्ट्री पर जब जब नेपोटिज्म के आरोप लगते हैं, तब तब कुछ ऐसे उदाहरण जहन में आते हैं जो इस नेपोटिज्म की चिड़िया के पंख कुतर देते हैं। फिर चाहे आयुष्मान खुराना हो, विकी कौशल हो, कंगना रनौत हो, इसी लिस्ट में बेहद उम्दा अभिनेता मनोज बाजपेयी का नाम भी शामिल होता है। न सिर्फ मनोज बल्कि पंकज त्रिपाठी भी इसी लिस्ट में शामिल होते हैं। हाल ही में मनोज बाजपेयी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला तो उन्हें देश दुनिया से बधाई संदेश मिलने शुरू हुए। दरअसल मनोज बाजपेयी को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में बेस्ट एक्टर के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। दिल्ली में विज्ञान भवन में देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा उन्हें खिताब से नवाजा गया। बाजपेयी को हर किसी ने अपने अपने अंदाज में बधाई संदेश भेजा, लेकिन पंकज त्रिपाठी ने जिस तरह से उन्हें शुभकामनाएं दी वो अंदाज बहुत चर्चा बटोर रहा है। पंकज ने शुद्ध देसी अंदाज में ट्विटर पर पोस्ट किया जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। पंकज त्रिपाठी ने लिखा, भैया बधाई, ये फोटुआ में कर्मयोगी लागत बानी, नेशनल अवार्ड के लाइन लागल रहे, जय हो। पंकज के इस ट्वीट पर मनोज बाजपेयी ने भी इसी अंदाज में जवाब दिया और लिखा, आह तहार बधाई पढ़ के बड़ा अच्छा लागल, मिले के जल्दी ये बाबू, बहुत सारा स्नेह। सोशल मीडिया पर इन दो बेहतरीन कलाकारों का देसी अंदाज में बात करना लोगों को भी भा रहा है। जैसे एक यूजर ने लिखा, जब कोई अपना उपलब्धि पाता है हृदय से ऐसा भाव निकल कर आता है, डंका बजाते रहे आप दोनों, हर कला प्रेमी यही चाहता है, बधाई। एक और यूजर ने लिखा, मनोज दादा आपको राष्ट्रीय पुरस्कार की हार्दिक बधाइयां, और पंकज दादा मनोज दादा पुरस्कार की लाइन लगा रहे हैं, और आप फिल्मों की बंटी बबली, OMG 2 और बहुत हैं, खूब भालो, बहुत जल्द मुलाकात होगी, बस आप दोनों का आशीर्वाद चाहिए, धन्यवाद। एक और यूजर ने लिखा, सही में एगो बिहारी सब पर बाहरी, मनोज जी और त्रिपाठी जी आप दोनों ही फिल्मी दुनिया में यूपी बिहार से मिसाल हैं, ऐसे ही हम लोगन के मनोरंजन करत रहे आप दोनों। तो देखा आपने किस तरह से लोग पंकज त्रिपाठी और मनोज बाजपेयी के देसी अंदाज पर प्यार बरसा रहे हैं। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? आपको दोनों सितारों का देसी अंदाज कैसा लगा? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर।